सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं काबुरा वगैरह फोर्ट्रेस को तबाह करके वापस विलेज हिरनिंदा मिस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी काबुरा बोल्टो से बोलता है, बोल्टो मुझे लगता है हम लोग सेफली विलेज पहुंच जाएंगे क्योंकि कोई भी फ्रोनाटो क्लैन का मेंबर हमारा पीछा नहीं कर रहा है। तो बोल्टो बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वावे बोलता अभी हम लोग सेफ कहाँ पे हैं, तुम्हारे जो साथी है सेवन निंजा स्पोर्ट्समैन वो क्रिमिनल है, वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने वैसे भी उनको कर्ज मार दे रखा है और वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, मुझे उन पर इतना भरोसा है। तो युवा पे बोलता है तुम्हारा भरोसा गया तेल देने, वो जो बड़ा वाला बंदा है वो कभी भी अटैक कर सकता है। कल याद नहीं वो रैंपेज पे चला गया था, उसने बोरूटो और कावा के ऊपर अटैक कर दिया था, उसको तो कुछ याद भी नहीं, उसने क्या किया था, उसको तो होश भी नहीं रहता। तो बोरूटो बोलता है उसको ध्यान से देखो कितने आराम से सो रहा है खराटे भर के, तुम्हें लगता है वो ऐसा कुछ करेगा दोबारा? तभी हम लोग देते हैं हेबीजी को क्यों पे चिल्लाते हैं कि क्यों तुम फालतू में शोर मचा रहे हो, तुम्हारे खराटे इतने जोर से सबको सुनाई दे रहे। तो ये बोरूटो बोलता है वैसे भी बुंटान ने हेबीजी को और क्यों ने हमारी काफी ज्यादा मदद करी, उनके बिना शायद हम लोग ये नहीं कर पाते, तो हम लोग उन पर भरोसा करना चाहिए। तभी कैप्टन टियाके बोलता है मुझे भी नहीं जहाज दिला देना एक बार घर पे जाने का। तो काबुरा बोलता है हाँ दिला देंगे चिंता मत करो। तो हम लोग इतने रात हो जाती है, वो सारे लोग सो जाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा काफी तगड़ी फॉग आ रखी होती है। नहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने कैप्टन काया की भी अपने रूम के अंदर सोया हुआ होता है, वो अपने नई जहाज के सपने देख रहा होता है। तभी बाहर हम लोगों को एक बहुत बड़े आदमी की परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ में क्योहो की स्वॉर्ड्स होती है और हम लोग वो कैप्टन टियाके के रूम में आके कैप्टन टियाके को मार देता है। तो हम लोग देते हैं कि अगले दिन सबको ये सब कुछ पता चलता है। तो बोल्टो को शारदा बताती है और बोल्टो काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि सब कुछ हुआ कैसे। तो हम लोग देते हैं कावा की बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जिन बंदों को बचा के लाए उनके अंदर एक फनाटो क्लैन का मेंबर हो जो कि छुपा हुआ हो, उसने इनको मारा हो। तो काबुरा बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी शिप के अंदर छुपे हुए हो, जब हम लोगों ने उनको बचाया भी नहीं था तब भी शायद वो छुपा हुआ हो सकता है। तभी हम लोग मीस की उसका घाव देखता है और बोलता है कि इसके ऊपर कोई भी भारी वेपन से और पहने वेपन से हथियार अटैक किया गया। तो कावा की बोलता है वो बड़ा वाला बंदा कहाँ पे, उसके पास भी तो ऐसे ही वेपन है। तो हम लोग देते हैं बीजी को वगैरह बोलते हैं कि अब तुमने मेंशन किया तो हमें याद आया कि वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कि वो एक जगह छुपा हुआ होता है और वो अपने वेपन के ऊपर से खून साफ कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसको खून देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी वहाँ पे इवावे वगैरह आते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या छुपाया। तो हम लोग वो उनको देखते ही कपड़ा छुपा लेता है। तो इवावे बोलते हैं तुमने क्या छुपाया जल्दी से मेरे सामने लाओ, और हम लोग देते हैं उसके हाथ से उस कपड़े को छीन लेता है और वो बोलता है कि इस पर खून कैसे लगा हुआ, ये सब कुछ तुमने किया, तुमने कैप्टन को मारा है। तो वो चिल्लाने लग जाता है क्यों और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ नहीं किया, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो युवा भी उसके अपने हथियार से अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि हम तुम्हारे पास वो सब कुछ है, हमें पता है कि तुमने इसको मारा है। तो कावा की बोलता है कि हाँ इसके पास ब्लड भी है। तो काबुरा बोलता है इसके ऊपर विश्वास करो, थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो युवा भी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर तुम बताओ कल रात को तुम थे कहाँ पे। तो क्यों वो बोलता है मैं तो सो रहा था। तो भी कावा की बोलता है कि इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं रहती है जब भी रैंपेज पे चला जाता है क्योंकि इसने बताया था हम लोगों को। तो युवा भी बोलता है ऐसा हो सकता है कि कल भी तुम रात को रैंपेज पे चले गए और तुमने कैप्टन को मार दिया हो। तब हम लोग इतने हेबीजी को बीच में आ जाते हैं, वो अपने उन दोनों के बीच में धागे से सिल देते ताकि वो दोनों आपस में लड़ ना पाए। और वो जवाबे को बोलते थोड़ा शांत हो जाओ कि वो कल रात को रैंपेज पे चला गया और रहना गया, वो सुबह गया था इसलिए मुझे लगता है वो रात को सो रहा होगा डीपली अपनी नींद के अंदर। तभी इवावे बोलता है तुम भी तो इसकी साथी हो सकती हो, तुमने भी इसका साथ दिया होगा शायद, तुम लोग सब मिले हुए हो। तो बोल्टो बोलता है इवावे थोड़ा रुक जाओ, हम लोगों को कामली डिसीजन लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं क्यों काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो अपने दोनों कान बंद कर लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी मेटल ली बोलता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम लोगों को बाकी पैसेंजर्स को पता नहीं चलने देना चाहिए कि कैप्टन मर चुका है वरना सब लोग खलबली मचा देंगे। तभी इवावे बोलता है कि अगर इसने नहीं मारा तो किसने मारा होगा, उनको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो एबीजी को बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग कैप्टन को मार के यहाँ से निकल गए हो। तो डेंकी बोलता है मुझे नहीं लगता वो निकले होंगे, वो यहीं पे होंगे क्योंकि इतनी फॉग के अंदर अगर कोई निकला होगा तो वो मर ही जाएगा, तो वो सुसाइड क्यों ही करेगा आखिरकार, और मुझे लगता है कि हमारे आसपास कोई शिप भी नहीं आई थी तो वो लोग हमारी शिप के अंदर ही होंगे। तो युवा बोलता चलो हम हमारी शिप के अंदर ढूंढ लेते, अगर हम लोगों को कोई नहीं मिला तो फिर हम लोगों को पता है कि किसने मारा था, इस क्यों नहीं मारा फिर उन सब लोगों। तो कावा की बोलता ठीक है हम लोग इन्वेस्टिगेट तो करेंगे लेकिन हम लोगों को क्यों पे नजर रखने के लिए भी कोई चाहिए। तो युवा बोलता कि मैं इस पर नजर रखूंगा। तो बोल्टो बोलता ठीक है फिर मैं भी इस पर नजर रखूंगा। तो हम लोग देते हैं कि कारगुरा उन लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को दो टीम बनानी होगी और दो टीमों को इन्वेस्टिगेट करना होगा, कोई भी तुम लोगों को सस्पिशियस चीज मिले या कोई भी बंदा मिले तो उसको लेके आना। तो हम लोग डेंकी वगैरह हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन लोगों को सुनाई देता है कि सारे पैसेंजर्स को पता चल चुका है कि कैप्टन मारा गया। तो सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा चिंता में होते हैं और बोलते हैं काश वो कैप्टन को मारने वाले को जल्दी से पकड़ लें। तो डेंकी बोलता आप लोग चिंता मत करो हम लोग जल्दी से काम कर लेंगे। तुम भी उनमें से एक औरत बोलती है कि शिप के अंदर क्रिमिनल्स भी हैं, तुम उनको कैसे साथ में रख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो हेबीजी को होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है, बोलते हैं कि मेरे को इस सब में क्यों फंसना पड़ रहा है। तो मैटरली बोलता है मिस्टर हेबीजी को आपको क्या लगता है कि मिस्टर क्यों ने मारा होगा उसको, कल्प्रिट होगा मिस्टर क्यों। तो हेबीजी को बोलते हैं क्यों चाहे मंदबुद्धि हो सकता है लेकिन वो ऐसी ऐसा हरकतें नहीं कर सकता, वो काफी उदास हो जाती है। तो मैटरली बोलता है कि मैं समझता हूँ आप उदास क्यों, अगर मेरे दोस्त पर भी कोई शक करता तो मैं भी काफी उदास हो जाता। फिर वो जोर से चीयर करता और बोलता है चलो हम लोग प्रूफ निकालते हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि मिस्टर क्यों इनोसेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कैप्टन की लाश के पास क्यों बैठा होता और उसी के पास बोरूटो और इवावे भी बैठे होते। तो बोरूटो इवावे से बोलता है कि तुम काफी ज्यादा तत्पर हो ना इसको क्रिमिनल साबित करने के लिए, तुम थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रस्ट करो, मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को हिडन मिस विलेज वालों ने मारा था,
तुम्हें शायद हिडन मिशेलों पर भरोसा ना हो। तो युवा बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनकी तरफ बायस नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने मारा होगा, लेकिन सारे सबूत इसके खिलाफ जाते हैं। तो बोरुटो बोलता है मैं चाहता हूँ तुम कागुरा पे ट्रस्ट करो जो कि इन लोगों पे ट्रस्ट करता है, तुम लोगों को कागुरा पे भरोसा रखना चाहिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, वो बोरुटो वगैरह के पास आ जाते हैं कि हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तभी डेंकी आता है और बोलता है कि एक बंदा मिला है मुझे जो कि बात करना चाहता है। तभी हम लोग देखते हैं वो बंदा उनको बताता है कि मैंने कल रात को देखा था इसको जाते हुए, ये कैप्टन के रूम की तरफ जा रहा था, मैं बाथरूम जा रहा था। तो कावाकी बोलता है कि इसका मास्क हटाओ। तो हम लोग देखते हैं कि बोरुटो वगैरह पूछते हैं इसका मास्क क्यों हटाना है। तो कावाकी बताता है कि जो बंदा है ये वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी इसने इसको कैप्टन के उसकी तरफ जाते हुए देखा क्वार्टर की तरफ। ये बोल रहा है कि ये फोनाटो क्लैन का मेंबर है, फोनाटो क्लैन के जितने भी मेंबर होते हैं उसके सबके मास्क सर के ऊपर कोई ना कोई निशान होता है, तुम्हें याद होगा अभी तक हम जितने भी मेंबर से मिले उनके सबके ऊपर निशान है, तो इसके ऊपर भी निशान होगा। ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, इससे बढ़िया ये जो क्यों है वो अपना मास्क उतार के दिखा दे तो हम लोगों को पता चल जाए। तभी हम लोग देखो काफी ज्यादा डर जाता है अपना मास्क नहीं उतार पाता। तो बोलते बोलते तुम लोग इसको अनकंफर्टेबल बना रहे हो। तो कावाकी बोलता है कि इसके जो टीममेट्स हैं इन लोगों को तो पता ही होगा इसके मास्क के अंदर क्या, उन्होंने तो देखा ही होगा। तभी बुंटान वगैरह बोलते हैं कि आज तक हमने भी इसके मास्क के अंदर नहीं देखा, हमने बस इसको मास्क के साथ ही देखा। तुम लोग देखो को काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसकी आंखें छोटी पड़ने लग जाती है। तभी उनको सारे बंदों के अंदर फोनाटो क्लैन के मेंबर दिखने लगते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे आग लगी हुई होती है। तुम लोग होते हैं क्यों वहां से भाग जाते हैं डर के मारे। तो कावाकी और बोरुटो बोलते हैं कि हम लोगों को इसका पीछा करना होगा, ढूंढना होगा इसको कहां भाग गया। तुम लोग होते हैं युवावे वगैरह भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो क्यों जो होता है वो युवावे के ऊपर अटैक करते, तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो युवावे बोलता है तुमने आखिरकार अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाई दी, मुझे पता था ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। और हम लोग होते हैं युवा भी उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी कावाकी आता है पीछे से और उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम लोग होते हैं वो अपनी तलवार से उसको मारने वाला होता है। तभी युवावे बोलता है क्या तुम सच में इसको मारने वाले हो, कम से कम मारो तो मत इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन हम लोग होते हैं कावाकी उसकी बात नहीं मानता और अपनी तलवार को नीचे काट देता। तो युवावे बोलता है नहीं ऐसा मत करो प्लीज। दूसरी तरफ हम लोग देते हैं उसके बाद कावाकी वगैरह बाहर आते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने सबको सेटल डाउन कर दिया। तो सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो फाइनली शांत हो जाते हैं। तभी वो जो बंदा होता है जिसने वो गवाही दी होती है वो बोलता है कम से कम उन्होंने कम से कम क्रिमिनल को मार दिया। तभी कागुरा बोलता है कि हमने कहो की बॉडी को एक जगह पर रखा हुआ है, उसको हम लोग अभी नदी में नहीं फेंकने वाले, उसको विलेज के अंदर लेके जाएंगे और अभी हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग वो लोग आराम करने लग जाते हैं। तभी रात को फिर से फॉग पड़ जाती है और हम लोग देखते हैं क्योंकि ये क्रिमिनल आता है फ्योक्यो की बॉडी के पास और बोलता है कि चलो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। और हम लोग देखो क्रिमिनल और कोई नहीं होता बल्कि वो वही बंदा होता है जिसने विटनेस दिया होता है, जिसने गवाही दी होती है। हम लोग देखो उस बंदे के मुंह से अचानक से बहुत सारा पानी निकलता है और जो पानी होता है वो एक फोनाटो क्लैन के मेंबर के अंदर बदल जाता है। तो हम लोगों को पता चलता है कि वो जो क्लैन का मेंबर है वो लोगों के शरीर के अंदर घुस जाता है पानी के अंदर बदल के। तो वो बोलता है कि मैंने कम से कम ठीक काम किया इस बंदे का निंजा ब्लेड को यूज़ करके, अब मैं इसकी बॉडी को यूज़ करूँगा और एक एक करके इन सबको भी मार दूंगा, मेरा काफ़ी ज़्यादा ठीक काम हो गया। तभी हम लोग देखते क्यों मरा हुआ नहीं होता और उस बंदे का हाथ पकड़ लेता और बोलता आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही दिया। तो हम लोग देखते बोरुटो वगैरह भी होते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने आखिरकार अपने आप को दिखाई दिया, हम लोगों ने ट्रैप बनाया था तुम्हें फंसाने के लिए। तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावाकी ने जो अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया था तो उसने क्यों को नहीं मारा था बल्कि उसके आसपास ही ब्लेड गाड़ा था ताकि सब लोगों को लगे कि उसने क्यों को मार दिया। और उसने युवा को उस टाइम प्लान समझाया था कि हम लोग क्या क्या करने वाले। तो मिस्की बोलता है कि लेकिन कावाकी मुझे तुम्हारे थॉट से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ कि तुम्हें पता कैसे चला कि कोई क्रिमिनल जो है वो किसी की बॉडी के अंदर घुसा हुआ हो सकता है। तो कावाकी बोलता है मुझे शक हुआ था क्योंकि सारे जो आइलैंडर्स थे उन लोगों को पता चल गया था पहले कि कैप्टन मर चुका है जबकि हम लोगों ने किसी को बताया भी नहीं था। और फिर उसके बाद इस बंदे ने गवाही भी दी, इसने झूठी गवाही दी, इसने बोला कि क्यों को उसने बाथरूम जाते हुए देखा था जबकि क्यों क्वार्टर में घुस रहे कैप्टन के, लेकिन कैप्टन का क्वार्टर और बाथरूम तो अलग अलग दिशा में है। तभी हम लोग वो जो बंदा होता है वो पानी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो बोरुटो और मिस्की अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम लोग होते हैं फ्री वो बंदा जो होता है वो दीवारों के अंदर के क्रैक से निकल जाता है इंजन रूम की तरफ में। और हम लोग देखते हैं कि वो इंजन रूम पहुंच जाता है और बोलता है कि आखिरकार सब चीज़ें इस जगह पे आई गई हैं तो मुझे इंजन को तबाह कर देना चाहिए कम से कम ताकि ये लोग बढ़ ना पाए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हेबी जी को आ जाती है और वो अपने नीडल्स का इस्तेमाल करके उसको चारों तरफ से सील देती है और वो बोलते हैं कि मेरे नीडल्स किसी भी चक्रा के आर पार जा सकती है तो तुम इस नीडल से बच के भाग नहीं सकते चाहे तुम्हारी बॉडी लिक्विड क्यों ना बनी हुई हो। तभी बोरुटो और कागुरा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को तुम्हारे से फोनाटो क्लैन के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। तुम लोग देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत सारा दर्द सहन करके भी आगे बढ़ने लगता है और मैं ये सब कुछ बोलता है कि मैं ये सब कुछ फोनाटो क्लैन के लिए कर रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं वो इंजन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है, इंजन जो होता है वो खराब हो जाता है। तो बोरुटो बोलते हैं इसने अपनी जान दे दी, क्या फोनाटो क्लैन के मेंबर फोनाटो क्लैन के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो सारे मेंबर्स होते हैं जो जिन लोगों को इन्होंने बचाया होता है वो लोग बोलते हैं कि फाइनली क्रिमिनल जो पकड़ा गया। तो हम लोग इतने मेटली बोलता है तो तुम्हारे मास्क के अंदर क्या था, तुमने वो मास्क क्यों नहीं उतारा। तो क्यों वो बोलता है कि बहुत समय पहले मेरे विलेज के ऊपर फोनाटो क्लैन ने अटैक किया था और विलेज को जला दिया था तो मेरे चेहरे पे काफ़ी सारे स्कार्स हैं। तो बोरुटो बोलता है अच्छा इसीलिए तुम ब्लड को देख के अपने आप को लॉस्ट कंट्रोल खो देते हो। तो युवा भी फोन क्यों से माफ़ी मांगता है कि मुझे ही माफ़ कर दो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर शक किया। तो क्यों वो बोलता है मुझे भी तुम लोगों को पहले बता देना चाहिए था कि मेरा चेहरा जला हुआ इसलिए मास्क नहीं उतार रहा। तो मिस्की कावाकी से बोलता है वैसे कावाकी तुम्हारी सोचने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुमसे इंप्रेस हो गया हूँ। तभी डेंकी आता और बोलता है कि इंजन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इंजन सही नहीं हो पाएगा। तो बोरुटो बोलता है मुझे नहीं लगता हम लोग इतनी आसानी से विलेज पहुंच पाएंगे, हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।